नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 फरवरी 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आप बात करते हैं अश्विनी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, ये दिन शनिवार का दिन रहेगा और कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि सुबह के 8:13 रहेगा। उसके उपरांत कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि प्रारंभ होगा। नक्षत्र की बात करें तो ये दिन अनुराधा नाम का नक्षत्र रहने वाले हैं और दोस्तों इस दिन ध्रुव नाम का योग शाम के 4:37 रहेगा। उसके उपरांत व्याघात नाम का योग प्रारंभ हो जाएगा और दोस्तों इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 9:54 से लेकर सुबह के 11:17 तक। दोस्तों, ये राहु काल के समय में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और साथ ही दोस्तों, इन दिन शुभ समय रहेगा दोपहर के 12:18 से लेकर दोपहर के 1:02 तक। यश में आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं और दोस्तों चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि पर ही संचार करेंगे। दोस्तों, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई हमसे रूठ ना जाए। दोस्तों, रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितने भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग बुझाने के काम जरूर आता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है। लाख गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, जीवन में खुशबू बेटी के आने से ही होगी। दोस्तों, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धनी राशिफल। दोस्तों, अगर जमीन जायदाद संबंधी कोई काम रुका हुआ है तो दोस्तों यश में उन्हें बनने की पूरी संभावना है। भविष्य संबंधी कुछ योजनाओं पर भी यश में विचार विमर्श होगा। कुछ रुका हुआ पेशा भी मिलने से आपकी चिंता दूर होगी और प्रसन्नता बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने महत्वपूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों दोपहर के बाद परिस्थितियाँ जो है कुछ प्रतिकूल रहेंगी। बनते कार्यों में भी विघ्न आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पड़ोसियों के साथ भी किसी प्रकार का वाद विवाद में ना उलझें। दोस्तों, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि निर्णय लेते समय उसका परिणाम आप पर क्या होगा और आपके आसपास के लोगों पर क्या होगा, इस बात का ध्यान रखें। आपके मौज मस्ती स्वभाव के कारण लोग आपको यश में गैर जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं। आपको दी हुई जिम्मेदारियों को निभाकर ही आप बाकी बातों के बारे में सोचें, ये आपके लिए यश में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो दोस्तों, इन पर यश में आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल का माहौल रहेगा तथा परिवार में कुछ समय से चल रही अस्वस्थता को दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बनाएंगे और इनमें कामयाब भी रहेंगे तथा थकान और व्यस्त भरी दिनचर्या से यश में आपको राहत भी मिलेंगी। शादी दोस्तों, यश में आपको बता दें कि संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के सलाह से आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें। खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मिले हुए अपयश से संबंधित भावनाओं को दूर करने की आवश्यकता होगी। बार बार नकारात्मक विचार आपके अंदर आने की वजह से क्षमता होने के बावजूद भी आप पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर यश में आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप जिस काम को ठान लेंगे उसे पूरा कर ही दम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होंगे। ग्रह गोचर आपका साथ देगा और यश में आप उनमें सफलता प्राप्त करेंगे, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहले प्राथमिकता दें।
धर्म कर्म तथा समाज सेवा संबंधी कार्यों में भी इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी और महत्वपूर्ण शुभ समाचार भी इसमें आपको मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और साथ ही दोस्तों ध्यान रखें कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी आपको ध्यान देना इसमें आवश्यक होगा। बुरी नीयत के लोगों से आपको इसमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही कोई नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार भी आपको मुसीबत में फंसा सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसको प्रणाम दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें, परिवार के लोगों के बीच में हो रहे विवाद अपने आप ही खत्म होने लगेंगे। फिर भी दोस्तों एक दूसरे के प्रति रखी गलत भावनाओं को दूर करने की आप कोशिश करें, यह भी आपका दायित्व होगा। इसको प्रणाम दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी समझदारी के लिए जो भी आप फैसले लेंगे आर्थिक स्थिति को बेहतर ही बनाएंगे। नजदीकी मित्र या फिर संबंधियों के घर में मेहमान बनकर जाने का अवसर भी आपको मिलेगा। दोस्तों किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ पेशे का लेते समय सावधान रहें, किसी प्रकार का नुकसान होने की आशंका है। दोस्तों यशमी मनोरंजन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक। किसी प्रकार की यात्रा करने के लिए जो समय है आपके लिए बहुत ही तकलीफदायक रहेगा, तो इनसे बचें। इसको उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। पैसे कमाने के एक से अधिक जरिया आपको होने की वजह से आपको काम में संतुलन बनाए रखना यश में कठिन रहेगा, लेकिन अगर चाहेंगे तो इनमें बना पाएंगे। पैसे से संबंधित जो भी टारगेट है यश में आपका पूरा होगा। फिर भी दोस्तों पेशा का कोई एक अच्छा स्रोत बनाए रखना आपके यश में अत्यंत आवश्यक हो रहा है, इसलिए दोस्तों पेशे के बारे में स्थिरता लाने की आप यश में कोशिश करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में बिजनेस या फिर नौकरी संबंधी कोई भी बड़ा फैसला खुद ही लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। अन्यथा दोस्तों किसी और की गलती का खामियाजा यश में आपको भुगतना पड़ सकता है, इस बात पर यश में आप गौर करें। अगर कोई सरकारी मसला अटका हुआ है तो दोस्तों उससे संबंधित कार्रवाई होने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्यस्थल पर कुछ बदलाव संबंधी काम होंगे। यश में कर्मचारियों तथा सहयोगियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। निवेश संबंधी कोई भी फैसला लेते समय आप उन पर पुनर्विचार जरूर करें, दोबारा फैसला जरूर लें। नौकरी में कुछ नए तथा बेहतरीन अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, इनका योग बन रहा है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में पारिवारिक व्यवस्था की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु दोस्तों सहयोगियों तथा कर्मचारियों की मदद से सब काम सुचारू रूप से संपन्न भी हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, किसी प्रकार की इंक्वायरी होने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, खुशनुमा और फिर सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। परिवार आपस में मेल बैठकर मिलना जुलना आपको तनाव मुक्त और ऊर्जावान रखेगा। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यावसायिक स्थल पर आपका मान सम्मान व फिर दबदबा भी बना रहेगा। अगर किसी के साथ साझेदारी कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों उस पर गंभीरता से अमल करें, यह साझेदारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। नौकरी में बॉस व फिर अधिकारियों का साथ आपके लिए उचित बने रहेंगे और उनके साथ आप बड़ी कामयाबी भी यश में हासिल कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध जो है मधुर रहेंगे तथा परिवार के साथ मनोरंजन व फिर शॉपिंग आदि में भी समय आपका व्यतीत होगा तथा प्रसन्नतापूर्ण वातावरण यश में बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जिसमें होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर का वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण तो बना रहेगा, सब परिवार आपस में बैठ मिलकर जो है अपना आपको तनाव मुक्त और ऊर्जावान यश में महसूस करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जिसमें होंगे, आपके घर परिवार के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण तो सुखद बना रहेगा, परंतु कोई दुखद समाचार मिलने से मन में थोड़ा सा उदासी भी रहेगी। प्रेम संबंधों में समय नष्ट करके अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें, दोस्तों इनसे आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, किसी बच्चे को कोई सफलता मिलने से भी आपको खुशी प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में ब्लड प्रेशर जैसी समस्या होने पर अपना विशेष ध्यान रखें तथा सर्दी से अपना बचाव रखना यश में आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके सेहत के लिए जो से होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी दिनचर्या और फिर खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि गैस और एसिडिटी जैसी हल्की फुल्की समस्याएं हो सकती है, इसका आशंका लग रहा है। इसको प्रांतों से यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है, किसी भी प्रकार का रिक्स ना लें तथा वाहन भी सावधानीपूर्वक ही चलाएं दोस्तों। ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों इसमें अगर आप सावधानियों को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खांसी जुकाम जैसी हल्की फुल्की दिक्कत तो रहेगी दोस्तों, घरेलू इलाज से यह आप स्वस्थ रहेंगे दोस्तों, आप घरेलू इलाज से भी ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों चिंता ना करें। और दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।